सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, एक डाउट आप सभी के दिमाग में आता है कि अश्वगंधा का पाउडर लेना चाहिए या टैबलेट लेना चाहिए। एंड उससे पहले मैं आप सभी को अश्वगंधा के बारे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपको एट लास्ट बताऊँगा कि आपको टैबलेट लेना चाहिए पाउडर। तो थोड़ा सा समझ लो कि कैसे अश्वगंधा आपको हेल्प करता है। जिन लोगों को पता नहीं है तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अश्वगंधा लेने से आपका हाइट कैसे बढ़ता है। और एक चीज़ मैं आप सभी को ऐड करना चाहता हूँ, जो जो प्रोडक्ट्स आप सभी को यूज करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा खोजो मत, वहाँ पे जाके परचेस कर लो, आपका काम समाप्त हो जाएगा। हाइट बढ़ाने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। एंड जब कोई अश्वगंधा रेगुलर बेसिस पे यूज करता है तो उसका बॉडी ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, साथ ही साथ हमारा बॉडी का जो स्ट्रेस है वो भी घटता है, आपका मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है। देखो, हाइट बढ़ाने के लिए जो मैं कहता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको बताता हूँ, हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जिम जाना। और अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग करिए, या आप रेजिस्टेंस बैंड परचेस कर सकते हैं, या आप डंबल बारबेल ये सब परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी परचेस नहीं कर सकते हैं, आप अपना बॉडी वेट को यूज कर सकते हैं। अपना बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी वन टाइप ऑफ वेट ट्रेनिंग है, वो वेट ट्रेनिंग के अंदर ही आता है। आपको उसके लिए डंबल बारबेल ये सब जरूरत नहीं है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करिए। जैसे पुशअप्स करते हैं, उसका अलग अलग वेरिएशन आता है, टाइप्स आता है, उसको करिए। अलग अलग टाइप्स का स्क्वाट लगाइए, अलग अलग टाइप का पुलअप्स लगाइए, वेरिएशन को चेंज करिए। तो उससे क्या होगा, आप अपना बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। एंड उससे क्या होगा, सबसे पहली बात आपका मसल साइज गेन होता है। एंड जितना आप ड्यूरिंग प्यूबर्टी आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन है फिर आप ये सब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। एंड ये जितना बढ़ेगा आपको हाइट बढ़ाने में हेल्प होगा। तो क्या होगा, जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपका एजेज बढ़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ इनडायरेक्टली आपका हाइट भी बढ़ेगा। तो ग्रोथ प्लेट्स अगर ओपन रहेगा तभी पॉसिबल है। एंड अगर आपका एज पार हो चुका है फिर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, फिर आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। बट क्या होता है, हम लोग अपना डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, पेरेंट्स आप पे प्रेशर डालते हैं, फिर क्या होता है, इस एज में लव का बहुत ज़्यादा फंडा चलते रहता है, तो उससे आपका बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन होमवर्क करना पड़ता है, दिन भर आप लोग कितना पढ़ाई करते हो, फिर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं बट बॉडी को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रहा है, तो आपका बॉडी में यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा हो रहा है। एंड जब हमारा बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पैदा होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज़ कॉर्टिसोल हार्मोन। एंड ये आपका बॉडी में जितना बढ़ते रहेगा आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उतना नीचे आते रहेगा। एंड यही हो रहा है, आप लोग देखना अभी इंडियंस का हाइट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। हम लोग सबसे पहले अपना जेनेटिक्स को ब्लेम कर देते हैं कि पापा का हाइट शॉर्ट है, मम्मी का हाइट शॉर्ट है। देखो, जेनेटिक पोटेंशियल तक आप पहुंच सकते हैं इजीली। और अगर आपका पापा का हाइट सपोज 5 फीट 5 इंच है, बट आप ये चीज़ सोचो, क्या उन्होंने कभी अपना हाइट बढ़ाने के लिए बेस्ट डाइट लिया था? नहीं लिया था। हाई प्रोटीन डाइट भी अपना बॉडी के ऊपर खर्चा किया था? नहीं किया था। अपना हाइट बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइजेस करना पड़ता है वो किए थे? नहीं किए थे। आप कहेंगे कि उन्होंने स्ट्रेचिंग किया था, स्कीपिंग किया था, यार वो हाइट बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं है, आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका मम्मी ने किया था? नहीं किया था, ठीक है। तो फिर आप भी यही भ्रम में है कि मेरा भी हाइट यहीं पर रहेगा, मेरा भी हाइट 5 फीट 2 इंच 5 फीट 3 इंच यहीं पर रहेगा, मेरा हाइट और नहीं बढ़ेगा। यार आप ट्राई तो करो, आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं, आप इजिली अपना हाइट को 6 फीट तक ले जा सकते हैं। हर कोई अपना हाइट को 6 फीट तक ले जा सकता है अगर वो मेहनत करे। कब मेहनत करना पड़ता है यार,
जब आपका ग्रोथ बिट्स ओपन रहता है, ठीक है। अगर आपका एज 12 साल है, 13 साल है, मतलब ये हाइट बढ़ाने का एज है और इस टाइम आपको मेहनत करना है। अगर ग्रोथ पिट्स कुल हो जाएगा, आप 25 साल 26 साल में मेहनत कर रहे हैं, आपको उम्र 30 साल हो चुका है, फिर आप मेहनत करेंगे, आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, आप अच्छा डाइट लेंगे, तब क्या होगा, आपका बस मसल्स बढ़ेगा, बिकॉज हड्डी बढ़ने का तो जगह नहीं है, तो हाइट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बस आपका मसल साइज बढ़ेगा। और मसल साइज भी इतना ईजिली बढ़ नहीं जाता है भाई लोग, 10 साल 15 साल मेहनत करते हैं तब जाके थोड़ा बहुत मसल्स आता है। मैं इतना दिन से जिम ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या मेरा मसल्स इतना बड़ा हो गया? नहीं हो गया। और आप लोग कहेंगे कि मैंने उसको देखा, मैंने इंस्टा पे देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा, बॉडी में पूरा भिन्स निकला हुआ है, फिर आपका ट्रैप्स ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा मसल है यार, सब सुई का कमाल है। आजकल बॉडी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, जो लोग जिम जाते हैं ना, मैक्सिमम अभी 90% लोग अभी इंजेक्शंस ले रहे हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स ले रहे हैं, जिसके कारण से यार उनका मसल्स उतना बड़ा बड़ा हो चुका है, वो नेचुरली नहीं है, और उसी के कारण से इतना ज़्यादा डेथ बढ़ चुका है। आप लोग देखते होंगे कि उस एक्टर का हार्ट अटैक हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया, वो बॉडी बिल्डर का हार्ट अटैक हो गया, फिर कहेंगे कि जिम जाना अच्छा नहीं। जिम जाना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज जिम एक एक्सरसाइज है, आप वहाँ पर जाते हैं अपने बॉडी को फिट करने। लेकिन अगर आप जिम जाएंगे, साथ में आप लोग स्टेरॉयड लेंगे, इंजेक्शंस लेंगे, फिर क्या होगा, आपको डैमेज होगा। तो आपको सप्लीमेंट्स लेना है, सप्लीमेंट आपके लिए अच्छा होता है। सप्लीमेंट में क्या क्या आता है, वे प्रोटीन आता है, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदो, ओरिजिनल। फिर सप्लीमेंट्स में आता है आपका अश्वगंधा, गोक्सुरा, शिलाजीत, सफ़ेद मूसली, ये सब परचेज करो, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर आप लोग L-Arginine, BCAA, क्रिएटिन, फिर ये सब परचेज करो, मल्टीविटामिन परचेज करो, तो यहाँ से क्या होगा यार, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका हेल्थ और अच्छा होगा। तो जब आप अश्वगंधा यूज करेंगे, आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, आपका मसल साइज बढ़ेगा। आप लोग वर्कआउट करने जाते हैं, 10 पुशअप्स लगा नहीं पाते हैं, फिर जब पुशअप्स लगाने जाते हैं, बॉडी में जान नहीं है, तो जान कैसे आएगा, आपको सही डाइट लेना होगा। बहुत लोग अश्वगंधा यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, अश्वगंधा यूज करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आपको अश्वगंधे के साथ साथ कुछ और सप्लीमेंट्स ऐड करना चाहिए, जैसे कि गोक्सुरा और शिलाजीत, ये दोनों मस्ट है। अश्वगंधा के साथ साथ आप लोग गोक्सुरा और शिलाजीत लो, दोनों को। लास्ट में बताऊंगा कि आपको टैबलेट्स लेना चाहिए या पाउडर लेना चाहिए। एंड अश्वगंधा का ये भी डाउट आता है कि यार अश्वगंधा लेने का सही टाइम क्या है, तो देखो बहुत लोगों का ना प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाता, स्लीप क्वालिटी बहुत खराब होता है, लेकिन आपको पता है जब आप सोते हो तभी आपका हाइट बढ़ता है, आप दिन भर जगे रहते हैं, आपका उस टाइम हाइट नहीं बढ़ता है, जब आप सोते हो, आप गहरा नींद में रहते हो, उस टाइम क्या होता है, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, तो क्या होता है, उस टाइम आपका हाइट बढ़ता है। और जब आपका स्लीप अच्छा नहीं होगा, आपका नींद खुल जा रहा है, नींद नहीं आ रहा है, तो ऐसा केसेस में अश्वगंधा आपको बहुत हेल्प करता है। फिर आपका वाइटलिटी इम्प्रूव होता है, तो अश्वगंधा का बहुत सारा मीन्स फ़ायदा है, एडवांटेजेस है, एंड आपको यूज करना चाहिए। एंड अश्वगंधा के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग गोक्सुरा और शिलाजीत ऐड करें, और भी कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि कौंच का बीज, सफ़ेद मूसली, अगर आप ये सारी चीज़ को एक साथ लेंगे ना, आपको ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। फिर क्या होता है, हम लोग अश्वगंधा ले रहे हैं, यार मैं 5 महीने से अश्वगंधा ले रहा हूँ, मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, कैसे मिलेगा, अश्वगंधा तो ले रहे सप्लीमेंट है, यहाँ से आपको 10% रिजल्ट मिलेगा, बाकी जो 90% रिजल्ट है, विजिबल जो चेंजेस है, 10% जो रिजल्ट है वो विजिबल नहीं होता, आपको दिखता नहीं है, बाकी जो 90% रिजल्ट है आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम योर वर्कआउट एंड डाइट। डाइट में यार प्रोटीन है ही नहीं, हम इंडियंस क्या सोचते हैं, अच्छा मतलब हेल्दी खाना मतलब क्या होता है, रोटी सब्जी, फिर आपका चावल दाल, ठीक है, और हो गया था दही और दूध, इसके अलावा हमें अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है, हर चीज़ ख़राब है। बट बॉडी का ग्रोथ के लिए चाहिए होता अमीनो एसिड्स, तो वो किस में प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन। प्रोटीन जब आप लेते हो तो ब्रेकडाउन होके क्या हो रहा है, अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है, फिर वो क्या करता है, आपको ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हाइट इंक्रीज मतलब क्या हो रहा है, हाइट ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, उसके साथ साथ एसेंशियल विटामिंस एंड मिनरल्स, वो आपको कहाँ से मिलेगा, फल और सब्जी से मिलेगा। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा
फिर चिकन से, मीट से, फिश, सोया चंक्स, फिर मिल्क, फिर आप पनीर, टोफू, ये सब ऐड करिए, दाल, उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रोटी, चावल, ये सब क्या है? कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, आपको एनर्जी मिल रहा है, लेकिन तो बॉडी ग्रोथ के जो चाहिए होता है आपको तो नहीं मिल रहा है। तो यही चीज़ होता है। तो फ्रेंड्स, आपको टैबलेट लेना चाहिए या आपको पाउडर लेना चाहिए? देखो, मुझे पर्सनली पाउडर पसंद नहीं है, पाउडर को यार खाने में थोड़ी दिक्कत होता है, ठीक है? तो आप लोग यार टैबलेट ले सकते हो या पाउडर भी ले सकते हो, दोनों अच्छा होता है, लेकिन अच्छा ब्रांड का लेना। तो कौन सा ब्रांड का लेना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस करना, ठीक है? और अगर आप वहां से परचेस करेंगे 2-5 रुपये का मेरे को फायदा होगा, ऐसे ही आपको उतना पैसा लगेगा। अगर आप वहां से लेते हो तो थोड़ा बहुत मुझे भी फायदा होगा, मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियोज बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत मेरा भी कमाई हो जाएगा, फ्रैंक रहना चाहता हूँ। तो आप लोग वहां से ले लेना। आप अगर 100 रुपये उधर से परचेस कर रहे हैं तो 100 रुपये आप यहां से लगाओ, मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे कर रखा है, और अगर आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, वही प्रोटीन कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, आप वहाँ से परचेस करें, आपको फायदा होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? और अपना सपोर्ट दिखाते रहना। इसी तरीके से मिलता हूँ नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल, पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।